महाराष्ट्र का 20 वर्षे रोमन अग्रवाल प्लास्टिक प्रयोग कम्ती गर्नुपर्छ भन्ने बारे जनतालाई जागरूक गराउने लक्ष्य राखेर सुरु गरेको यात्रा गर्दै दार्जिलिङ आइपुगेका छन्। रोमनले 2 वर्ष गंगामा स्नान गरेर यो यात्रा सुरु गरेका थिए भने उनले आगामी दिनमा देशका अन्य राज्यहरूको पनि भ्रमण गर्ने योजना बनाएका छन्। यति मात्रै होइन, उनले आगामी दिनमा म्यानमार, लाओस, भियतनाम हुँदै साइबेरियाको ओमियाकोम पनि जाने योजना तयार पारेका छन्, जुन स्थान विश्वकै सबैभन्दा ठण्डा ठाउँ रहेको उनले बताएका छन्, जसले उक्त स्थान पुग्ने प्रथम भारतीय बन्ने लक्ष्य बनाएको पनि उनले बताएका छन्। नमस्कार, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र 20 और तकरीबन 2 साल पहले 25 अगस्त 2020 को वाराणसी की पवित्र धरती से जब मैं 18 साल का था वहाँ पे गंगा में स्नान करके मैं अपनी यात्रा की शुरुआत की। यूपी से होते हुए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, पांडिचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, अभी बंगाल पहुँचूँ। बंगाल मेरा 20वां राज्य है। तकरीबन 577 डेज अभी तक हो चुके हैं। तकरीबन ये यात्रा में मैं पैदल या लिफ्ट के माध्यम से ही चलता हूँ। आपको बताते हुए मेरे को हर्ष होगा कि मैं अभी तक 10,000 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ और 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा कर चुका हूँ। ये जो मैं यात्रा करता हूँ इसमें एक उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि लोगों को प्लास्टिक समझाने के बारे में। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ की हर रूप में, हर स्वरूप में आज हर एक इंसान यूज़ करता है, लेकिन आज कितने इंसान प्लास्टिक समझता है उसकी संख्या बहुत कम है। तो उसके समझाने के लिए मैं यात्रा पर आया हूँ। लोगों को बंद करने के लिए नहीं प्लास्टिक को, क्योंकि प्लास्टिक को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक तकरीबन हर चीज़ में है, तो प्लास्टिक को बंद करना एक बेवकूफ़ी है। लेकिन प्लास्टिक को अपन कम जरूर कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन कम जरूर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करना है उसके समझाने के बारे में मैं यात्रा पर आया हूँ। साथ ही जो यात्रा है ये पुरानी काल में भी लोग करते थे, जिसको देशाटन बोला जाता था, जो गुरुकुल के माध्यम से यात्रा करते थे, जिसमें पैदल चलते थे। अलग रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, लोगों के बारे में समझने, सीखने, अध्ययन करने का कार्य होता था, जिसमें वो एक अच्छे इंसान बनने की राह पे भी चलते थे और साथ ही साथ समाज को कुछ देने के लिए भी यात्रा करते थे। आगे की जो मेरी यात्रा है, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड करते हुए मैं देश के बाहर भी जाऊँगा, मतलब म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकॉन्ग, मकाओ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक। आपको मालूम होगा साइबेरिया में एक जगह है जिसका नाम है ओमियाकोम, जो विश्व की सबसे ठंडी जगह है, जिसका टेम्परेचर होता है -72। इस वजह से आज पूरे विश्व की सबसे ठंडी जगह है। बहुत लोगों के तो दिमाग में कुल्फी भी जम गई सुन के। वहाँ पे जाने वाला मैं अगर पहुँचा तो मैं पहला भारतीय बनूंगा, क्योंकि आज तक कोई भारतीय पूरे लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए वहाँ तक नहीं गया, इस तरीके से कोई नहीं गया है। साथ ही साथ वहाँ पे मेरे को 3 से 4 साल पहुँचने में लगेंगे। वहाँ पे जब मैं भारत का झंडा, भारत का तिरंगा फहराऊंगा, ये सब भारतीयों के लिए गौरव की एक शान की बात होंगी कि एक तिरंगा अपना भारत का वहाँ पे भी फहरा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी जाते हो ना, ये प्लास्टिक फ्री के लिए जा रहे हो ना, तो आप जहाँ भी जाते हो तो लोगों को क्या बताते हो कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वैसे आप लोग घूमते हो? बिल्कुल, उसके नुकसान बताते हैं, क्या अपन कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उस बारे में बताते हैं। खासतौर पर हमारा जो फोकस रहता है, एरिया ऑफ फोकस रहता है, वो होता है स्कूल्स में। स्कूल्स में बताने का उद्देश्य यही है कि स्कूल्स में ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं कम समय में और अच्छे तरीके से। स्कूली बच्चे सामने वाला फ्यूचर है, सामने वाला फ्यूचर वही है। आज जो बूढ़े हो गए वो फ्यूचर नहीं है, लेकिन उनको भी समझाना बहुत जरूरी है। तो हम पब्लिक प्लेसेस पे भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पे उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को भी समझाते हैं, CM को, MLA, MP को भी समझाते हैं। जैसे भी अपना प्रयास होता है समझाने का, एक प्रयास करते हैं। आप तो अकेले ये प्लास्टिक फ्री जोन कैंपिंग कर रहे हैं ना, तो इतना स्टेट आप घूम चुके हैं, तो आपको कैसा खर्चा उठा था? आपको स्पॉन्सर मिला है या सरकार की तरफ से आपको कुछ मिला है? नहीं, जैसे देखिए, हम तो ये यात्रा पे निकले थे, हमारे पास तो पैसा था नहीं, 2,500 रुपये के साथ शुरुआत किए थे, लेकिन फिर यात्रा चलते गई, लोगों ने मदद करते गया। अभी हाल ही हाल में थोड़े बहुत महीनों से मेरे को ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि ज़्यादा फेमस हो गए और ये सब चीज़ें हैं, ज़्यादा काम भी हम ज़्यादा कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा बीच में से। तो हमको अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, JCI सब मदद कर, राउंड टेबल इंडिया भी मेरी मदद करता है, अलग संस्था, अलग लोग, संस्था भी नहीं लोग बोलेंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी मदद करते हैं। जिनको लगता है कि मेरा काम सराहनीय है, वो कोई भी 5,000, 10,000, 1,000 जो भी उनको लगता है, उनके हिसाब से उनको जो सही लगता है
वो देते हैं, क्योंकि पैसे तो लगते हैं, खाने के लिए तो पैसे लगेंगे, पैदल चलते तो नहीं लगते, लेकिन खाने के लिए तो लगता है ना। अब हर जगह पे लोग तो ना मिलते हैं, गाँव में जाएंगे जंगल में जाएंगे इतना नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे दुकान मिल जाती है, थोड़े पैसे से खाना मिल जाता है, तो वैसे करता है। ये दो साल मतलब कोविड का समय था, तो इसमें आप लोग, आपको क्या डिफिकल्टीज आए? डिफिकल्टीज तो बहुत सारी आई, डिफिकल्टीज ऐसे नहीं कि नहीं आई, लेकिन 577 दिन 10,000 किलोमीटर पैदल, 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा, और साथ ही साथ अभी तक 20 राज्यों का सफ़र, और कितने सारे लोगों से मुलाकात, ये सब चीज़ों को, इन जो चुनौती मिली है वो दो शब्दों में बताना असंभव है। इनमें एक छोटी सी बात से आपको समझाना चाहूँगा, एक परेशानियाँ गरीब इंसान के साथ भी, अमीर इंसान के साथ भी, उसका नज़रिया वो कैसे देखता है। अगर एक इंसान उस एक परेशानी को परेशानी के हिसाब से देखेगा, परेशानी उसके हरदम बनी रहेगी। अगर उसको एक पॉजिटिव आउटलुक के हिसाब से, आगे बढ़ने के हिसाब से देखेगा, वो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे मैं देखता हूँ, कभी चोर भी मिले, कभी हमको भूखा रहना पड़ा 30 घंटे तक, ऐसे कभी कहीं जहाँ पे इंसान दिखा भी नहीं है, हमको कभी ऐसे लोग भी मिले जो हमको मारना चाहते थे, ऐसे कभी लगे कि जहाँ पे हमको गलत आरोप डाल के हमको जेल में भी डालना चाहते थे, ऐसे बहुत सारी दिक्कत हुई, कभी रहने को नहीं मिलता, कभी खाने को नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कत हुई है, लेकिन वो सब एक एक्सपीरियंस है, एक सीखने का एक जरिया, एक तरीका है। आप दार्जिलिंग में कोई कहीं पे अभी आप अपना इस विषय में जानकारी दी है किसी को? बिल्कुल, हमने कल रोटरी क्लब में विजिट किया था यहाँ के, रोटरी क्लब ऑफ दार्जिलिंग में, साथ ही साथ आज भी थोड़े बहुत इवेंट से वहाँ पे जाएंगे। अभी हमने एक स्कूल में गए थे, ज्ञानोदय विद्यालय निकेतन स्कूल जो है यहाँ पे दार्जिलिंग, वहाँ पे भी एक हमने स्पीच दी है, देखे आई है। अभी आफ्टर यात्रा आपका क्या प्लानिंग है, प्लास्टिक जोन लेके? ये यात्रा के बाद हमको बहुत सारे कार्य करना है, अभी तो मतलब बोलना असंभव है, क्योंकि 3 साल के बाद क्या चुनौती रहेंगी, क्या सिचुएशन रहेंगी, क्या परिस्थिति रहेंगी, बोलना मुश्किल है। लेकिन हमको एक गुरुकुल का जो सिस्टम होता था, जिससे मैं रूबरू हुआ हूँ और मैं भी बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ, वो कल्चर को, वो संस्कृति को वापस लाने के लिए मेरे को बहुत सारे गुरुकुल खोलना है भारत में। कोशिश करूँगा कि ऐसे कभी खुलूँ जहाँ पे जंगल हो, और जहाँ पे पहले के समान जैसे होता था वैसे गुरुकुल खोलने का मेरा उद्देश्य रहेगा। अब एनवायरमेंट तो आपने प्लास्टिक के बात किया है, तो और बहुत कुछ था एनवायरमेंट के बारे में, इसमें आप क्या कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हम एक चीज़ पर करते हैं, बाकी बहुत लोग अलग अलग चीज़ों पर करते हैं, उनका भी कार्य सराहनीय है। हमको ये सही लगा कि हमको प्लास्टिक बहुत सारी चीज़ों की हर इंसान यूज़ करता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, तो उसके लिए बताना बहुत जरूरी था, तो मेरे को प्लास्टिक लगा, तो मैं प्लास्टिक के बारे में चलाऊँगा। जी, यू आर द यंग वन, सो लॉट्स ऑफ यूथ आर दोज आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन ड्रग्स, सो डू हैव एनी मैसेज फॉर द प्रॉब्लम इज लाइक वी आर गोइंग अपार्ट फ्रॉम आर कल्चर, वी आर गोइंग नॉट क्लोज टू अर कल्चर, वी आर फॉरगेटिंग आर कल्चर, दैट्स द मेन प्रॉब्लम इन आर इंडियन कल्चर। इफ यू अंडरस्टैंड आर इंडियन कल्चर, we'll understand how much it scientific is, how much its good is. When we understand our culture, अपनी जितनी भी दिक्कत है सब कम हो जाती है, जितनी भी ड्रग्स के बहुत सारी जो दिक्कत है आज भारत में अपन देख रहे हैं, आज बहुत सी, मैं 20 राज्य घुमा हूँ, मेरा एक बात आप समझ के देखिए, मैं बोलता हूँ कि भारत में 20 राज्यों में से बहुत से 5 से 6 राज्य मैं बोलता हूँ ऐसी नाम ले सकता हूँ जो कि अपने आपको भारत मानते ही नहीं, दे डोंट कॉल देम एज इंडिया, बिकॉज द रीजन इज सिंपल, दे आर नॉट अटैच्ड टू अ फीलिंग ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया विल always remain as a word if it's not attached to an emotion. Emotions are required. To understand emotion, we have to understand India. What is India? How are freedom fighters sacrificed our life just to free our India? बहुत ऐसा lot of things. समझने के लिए जब तक समझेंगे नहीं तब तक अपन ऐसे ही दूर जाते रहेंगे अपने कल्चर से, गलत दिशा में जाते रहेंगे और भटक जाएंगे। शॉर्ट मैसेज यही है कि प्लास्टिक को आप एक इंश्योरेंस के समान देखिए, एक इंश्योरेंस जो आज आप आज के लिए नहीं कराते, सामने समय के लिए सामने जनरेशन के कराते हैं, वैसे ही आप प्लास्टिक को देखिए। प्लास्टिक की ऐसी चीज़ है जो कि आज आपको आज पता नहीं चलेगा उसके दुष्परिणाम के बारे में, लेकिन हो सकता है 10 साल 20 साल 30 साल के बाद उसके परिणाम दिखे, लेकिन तब तक बहुत देरी हो सकती है। बोलते हैं एक बोलते हैं कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपको ये अवार्ड मिला है? आपको बहुत मिला है अवार्ड, तो आप ऐसे कोई अवार्ड के लिए घूमते रहते तो अवार्ड ही अवार्ड करते रहते, मिला है कि नहीं पूछा? बहुत मिले, लेकिन अवार्ड का कोई ऐसा हमें कोई लालच और ऐसे लोभ नहीं है कोई, हम तो मतलब कुछ काम भी नहीं, खुद को देंगे तो हम तो रख देते सही।